शेखर पॉल। तो यार बहुत दिनों बाद आज चैनल पे एक नई वीडियो आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब आप अगर विंडोज़ 10 यूज़ करते हो, वैसे ये प्रॉब्लम विंडोज़ 10 और विंडोज़ 8 में ज़्यादा आती है, लेकिन विंडोज़ 10 में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। उसमें होता ये है कि जो आपका डेस्कटॉप का कर्सर होता है, ठीक है, वो ऑलवेज बिजी दिखाता है, मतलब वो ना घूमते रहता है, या फिर वो कर्सर ऐसे बना आता है और उसके साइड में ऊपर में वो मतलब बिजी का आइकन आता है। तो वो क्यों आता है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब आप अपना विंडो बूट करते हो, मतलब अपना विंडो जब आप ऑन करते हो, तो फर्स्ट टाइम में वो बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जो बूट के साथ साथ ही ऑन हो जाती है, ठीक है। तो या तो आप उसको मैन्युअली करते हो, या कई बार वो खुद से हो जाती है, वो सेटिंग ना थोड़ी बिगड़ जाती है, तो ऐसा हो जाता है। तो बस छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और अगर आप मेरे माउस के कर्सर को देखोगे तो देखो ये हमेशा ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है। इसको बंद करने के दो तरीके हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो क्या, अगर फर्स्ट मेथड आपका काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फर्स्ट मेथड आपका काम नहीं करता तो भाई सेकंड मेथड डेफिनेटली आपका काम कर देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सर्च में जाके लिखना है msconfig। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आप मिसस्पेल ना कर पाओ, msconfig, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है ना, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आपको उस पर क्लिक करना है। और देखो यहाँ पे क्या है, सिलेक्टिव स्टार्टअप, ठीक है, लोड सिस्टम सर्विसेज, लोड स्टार्टअप आइटम। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपकी विंडो बूट होती है ना, तो ये सारी सर्विसेज पीछे में रन करने लग जाती है। तो अपने को क्या करना है, अपने को नॉर्मल स्टार्टअप करके यहाँ पे ओके कर देना है। वैसे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, मेरे में नहीं आ रहा है, पर आप ओके करोगे जैसे ही अप्लाई ओके, तो यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं आता है ऑप्शन तो आप अपने सिस्टम को मैन्युअली रीस्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप मेरे कर्सर पे देख सकते हो कि अभी भी मेरे को स्टिल ये प्रॉब्लम है। तो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे कंट्रोल पैनल में, और उसके बाद अपन जाएंगे यहाँ पे माउस पे। माउस में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है पॉइंटर्स में, और देखो जो अपने को प्रॉब्लम आ रही है बैकग्राउंड वर्किंग इन बैकग्राउंड, यही वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन इसमें क्लिक करेंगे, फिर अपन जाएंगे ब्राउज में, ठीक है। ब्राउज में जाने के बाद में जो सबसे ऊपर में है आपका, आपको उसको क्लिक करना है, जो अपना नॉर्मल माउस होता है। उसके बाद आपको अपन यहाँ से ओपन करके यहाँ से अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम इसे अप्लाई कर देंगे, आप देख सकते हो जो माउस इन ऑलवेज बिजी जो बैकग्राउंड में ऑप्शन आता है, आ रहा था अभी तक, वो खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल टेक्नोस्फीयर सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।